मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आकाश गुप्ता, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फरीदपुर नगर, डिस्ट्रिक्ट बरेली के फरीदपुर नगर में मैं इस समय हूँ और यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति और बहुत ही धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति श्री देवदत्त शर्मा जी, एडवोकेट, जो कि बीजेपी की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। और आइए, आज इनसे मैं बात करता हूँ और जानता हूँ कि 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में बीजेपी में क्या क्या रही हैं, वो भी जानूंगा और इनके बारे में भी जानूंगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं श्री देवदत्त शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये 4 साल जो बीजेपी को हुए हैं, इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं और क्या आप बात करना चाहेंगे इसके बारे में, बताएं थोड़ा। मैं देवदत्त शर्मा एडवोकेट हूँ, बार एसोसिएशन फरीदपुर का कई बार से अध्यक्ष हूँ तथा सेंट्रल वेयरहाउस कॉरपोरेशन नई दिल्ली का डेलीगेट भी हूँ और कोऑपरेटिव की अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हूँ तथा मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी, बीजेपी की 4 साल की उपलब्धियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तथा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत समग्र विकास किए हैं, सबका सम्मान, सबका विकास किया है। जी, योगी जी के कार्यकाल में भयमुक्त वातावरण पैदा हुआ है तथा अपराधी जो हैं प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। आज मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को भी अपनी जमानत तोड़वा के जेल में ही रहना पड़ रहा है और बाहर आने का सपना भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त माफिया है। जनता में उनका भय था, उसको योगी सरकार ने दूर किया है तथा योगी सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किए हैं। कोरोना काल में गरीब आम जनता के लिए सबको 2-2 बार निःशुल्क गेहूँ उपलब्ध कराना और फरीदपुर में तो विशेषकर माननीय विधायक जी श्याम बिहारी जी के नेतृत्व में व माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी सांसद जी के नेतृत्व में बहुत काम किए हैं। फरीदपुर में रोडवेज का सपना जो था कई साल का, वो पूरा किया है तथा भुता में राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया है, सड़कों का फरीदपुर में जाल बिछाया है तथा कोई भी गाँव ऐसा नहीं रहा है जिसमें बिजली नहीं पहुंची है। हर गांव में बिजली पहुंचाई है तथा किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को सुविधा दी जा रही है, महिलाओं को उनका हक दिलाया जा रहा है तथा महिलाओं और लड़कियों के लिए हर थाने में अलग से हेल्प डेस्क बनाई गई है जिससे जो है अपराधी अपराध छोड़कर प्रदेश से भाग रहे हैं। जी, और कोरोना की भी लड़ाई बहुत मजबूती से सरकार ने लड़ी, जनता को सुविधाएं दिलाईं तथा प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे उनको निःशुल्क खाना दिया गया, आने जाने की सुविधाएं दी गई, उन्हें घर तक पहुंचाया गया। ऐसे कई कार्य माननीय योगी जी की सरकार ने पूरे किए हैं तथा 4 साल बहुत अच्छी तरह से जनता की सेवा की है। जी जी, और आने वाले समय में भी जनता की सेवा होगी। जी जी सर, मैं जानना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है कि आप जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव इस बार लड़ने के मूड में हैं। हाँ, वार्ड 49 से मेरी पत्नी अभिलाषा शर्मा या नवीन चंद शर्मा बेटे को इसमें पार्टी जिसको कहेगी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। दूसरे किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देगी तो हम उसको भी पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। जी जी सर, होली का त्यौहार आने वाला है सर, इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से होली मनानी चाहिए और कोरोना को लेकर के भी थोड़ा क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? ऐसा होली का त्यौहार बहुत सब समाज के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सबको मिलजुल के मनाना चाहिए, क्योंकि एक उस पर बुराई पर विजय का प्रतीक है होली का त्यौहार तथा कोरोना, चूंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए कोरोना के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, 2 गज दूरी रखना चाहिए, जिससे क्योंकि कोरोना महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में फिर से पैर पसार रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत कोरोना के प्रति सतर्कता रखना चाहिए। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जहाँ शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।